अंतर जनपदीय गैंग के 5 शातिर वाहन चोरों को बुरहानगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए वाहन चोरों की पहचान कन्हैया पांडे पुत्र विभूति नारायण पांडे निवासी सही बुजुर्ग मेहताब अली पुत्र नेबूलाल निवासी यशवंतपुर, धर्मवीर साहनी पुत्र ऋषिदेव साहनी निवासी पतरेठा थाना उरवा बाजार, दीपक उर्फ दीपू पुत्र विजय कुमार यादव निवासी पोहिला, मोहम्मद इस्माइल पुत्र कमर हुसैन निवासी बरपार थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ गोला ने बताया कि इन पांचों के ऊपर स्थानीय थाने और जनपद के थानों में मुकदमा दर्ज है। यह वाहन चोरों का एक शातिर गैंग है जो अम्बेडकर नगर मऊ गोरखपुर सहित अन्य जनपदों से वाहन चुराते हैं तथा गैराज व कबाड़ी इस्माइल के यहाँ बेचते हैं। इस्माइल गाड़ियों को बेचता है और जो नहीं बिकती उसे कटिंग कर कबाड़ में बेच देता है और यहाँ यह गैंग गाड़ी चुरा कर नंबर प्लेट बदल कर घटना को अंजाम देते हैं, जिसका सरगना कन्हैया पांडे है जिनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इन सभी अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोरों को बढ़लगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राणा देवेंद्र प्रताप सिंह, हमराही उप निरीक्षक योगेश कुमार आनंद, राजेश कुमार पांडे, कांस्टेबल विनोद शर्मा, सत्येंद्र भास्कर, अनिल कुमार यादव, नीलेश कन्नौजिया द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से पुलिस टीम ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलें, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला श्याम देव ने कहा, दिनांक 25 और 26 की रात्रि में बुरहानगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बुरहानगंज पुलिस ने 22 चोरों के गिरोह को पकड़ा, जिसमें 5 चोर पकड़े गए हैं जिनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 देसी तमंचा बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।